निकालो प्रांत से, निकल चले अब शोरूम की ओर। प्लास्टिक की फेरी सिर्फ एलॉय की चटनी की वजह से हवा निकल रही है। चौबीस जून 2023 दोपहर के 12:04। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो बड़े हैं उनको सत श्री अकाल नमस्ते, और जो छोटे हैं उनको कैसे हो छोटो। तो आज भी करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें, स्टे ट्यून। तो दोस्तों आज बात करते हैं प्रो राइडर 1000 अगस्त चौहान की। जो ZX NR थी रैप्टर जिसपे उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो टपल पुलिस चौकी से देहरादून कावासाकी पहुंच चुकी है रिपेयरिंग के लिए। और उनके पापा ने 22 तारीख को जो व्लॉग अपलोड किया था उसमें उन्होंने बताया था कि वो अपने घर से कावासाकी शोरूम गए थे देहरादून, और वो बाइक को पूरा उन्होंने रिवील किया, क्या खर्चा है क्या नहीं वो सब बताया उन्होंने। और वो बताने के बाद में वो वापस घर गए। घर जाने के बाद उन्होंने कावासाकी से जो रिपेयरिंग कॉस्ट थी, लेबर थी, वो सब बताया। तो आप सोचिए कि एक एक्सीडेंटल बाइक का जिसके सिर्फ कुछ पार्ट्स डैमेज हैं उसका बिल बनाया है उन्होंने 20 लाख रुपये विथ लेबर। तो सोचिए इतने में तो नई बाइक आ जाती है, तो रिपेयर करा के फिर क्या फ़ायदा होगा। लेकिन उनके पापा ने क्या कहा कि हमको यही बाइक रिपेयर करानी है और हमें नई बाइक नहीं लेनी है। तो वो अपनी बाइक को भेजने वाले हैं दिल्ली रिपेयरिंग के लिए, और दिल्ली से वो इसके जो पार्ट्स डैमेज हैं, फाइबर पार्ट्स और जो भी है, वो उसमें नए डलवाएंगे, एज इट इज़ न्यू करके लेके आएंगे। तो मे बी 25 या 26 को वो बाइक देहरादून से दिल्ली चले जाएगी। तो आइए देखते हैं वो ब्लॉग की कुछ क्लिप जो उनके पापा ने उस ब्लॉग में बताया, और उसमें जो वो बिल दिया है कावासाकी देहरादून ने वो भी दिखाता हूँ। शोरूम की ओर जाके इंश्योरेंस वालों से बात करनी है, इसमें क्या प्रोसीडिंग होनी है, थोड़े उनको पेपर्स वगैरह पहुंचाने हमने। कावासाकी के शोरूम पे आया हूँ, मैं कावासाकी के शोरूम के बेसमेंट में खड़ा हुआ, या मेरी ZX NR खड़ी है प्रोग्राइडर 1000 की। मैं फर्स्ट टाइम गाड़ी के सामने आया हूँ, आपको इसकी पूरी कंडीशन बता रहा हूँ। ये देखिए इसकी बैक साइड से बड़ी टूटी हुई, इसकी शॉकर बिल्कुल ओके, ठीक है। गाड़ी लेफ्ट साइड को गिरी तो इसका जो ये वाला कंडीशन सिर्फ यहाँ पे टूटा है, यहाँ तक कि लीवर भी बिल्कुल इंटैक्ट है, और इसकी जो मैकेनिज्म होता है ये बिल्कुल ठीक है। ये कूलेंट का डब्बा देखे हो, लोग कहते हैं 250 300 में जिससे तीसरे उड़ जाते हैं, ये भी लीकेज नहीं किया है क्योंकि गाड़ी कम स्पीड में राइड को गिरी है। यहाँ पर इसका स्लाइडर लगा हुआ था जिससे पूरी गाड़ी को सेव किया। टंकी को देखिए, कोई भी स्क्रैच नहीं है, ये तो फिटी लगी है खाली, कोई भी स्क्रैच नहीं है टंकी पे। पूरा लाइटनिंग सिस्टम, इसका डैम्पर, इसकी सीट, इसकी सिर्फ इस पर टूटा हुआ कैमरा आप देखिए, प्लास्टिक की फेरिश हमारे का कमिटी जाएगी, खड़े खड़े आप गिराओगे तो यहाँ साइड से प्लास्टिक की टूटी हुई है। ये क्या पास होता है सोलह जिसमें उधर चेंज करते हैं वो टूटी है, ये देखिए वो भी ऐसे लगा हुआ है। अगर मैं इसको वापस इसकी जगह पर लगाता हूँ तो आपको ये भी लगेगा कि ये भी टूटा हुआ नहीं है, ये सब यहाँ से टूटा हुआ मैकेनिज्म इसका पूरा ओके है। लोग कह रहे थे आप देखिए ब्रांड न्यू टायर लगा हुआ है, सिर्फ एलॉय पिचकने की वजह से हवा निकल रही है। और ये जो कुछ लोग कह रहे सोचते हैं कि टायर फट गया हुआ है, गाड़ी की फ्रेमिंग बिल्कुल स्ट्रेट है, चेस की टेल टाइटिंग है, ये देखिए जो टेल टाइटिंग का जो इंडिकेटर है सिर्फ वो घिसा हुआ है क्योंकि भारी होता है प्लास्टिक का आइटम, यहाँ से इसलिए बैट टूट गया है, लेकिन बाकी इंटैक्ट है। दो नट से मैं फिक्स करूँगा तो पूरा फिक्स हो जाएगा, ये टंकी में हल्का सा टाइट है, हल्का सा टाइट है। अब ये क्यों पड़ा, इस कंडीशन में रह के पड़ा होता मेरे को इस बारे में जानकारी चाहिए। 19 लाख रुपये में तो नई बाइक आ जाती है, लेकिन मुझे नई बाइक नहीं चाहिए, मुझे नई बाइक नहीं चाहिए, मैं इसी को ही कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे को उम्मीद है यहाँ थोड़ा लेट वर्क हो जाएगा, हो सकता है गाड़ी को कहीं ट्रांसफर करूँ। फ्रंट की देख लीजिए, फ्रंट शॉकर एवरीथिंग इज परफेक्ट, सिर्फ इसकी एक लेफ्ट हैंड गाड़ी की इंटैक्ट है क्योंकि फ्रंट इंटैक्ट नहीं है गाड़ी का, रेडिएटर रुके हैं, आर्ची रुके हैं, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन है। 1.5 लाख रुपये का इतना सा मीटर, एलॉय चेंज होगा 80,000 रुपये का, रोला चेंज होगा 140,000 रुपये का, टंकी चेंज होगी 1.5 लाख रुपये, आगे के दोनों शॉकर चेंज होंगे 5 लाख रुपये की, इसकी एक लाइट चेंज होगी 1,20,000 की, छोटे मोटे जो पार्ट होंगे उन्होंने टोटल बिल 19 लाख रुपये का बनाया। एवरीथिंग इज ओके, और जो चला रहा था वो ओके नहीं है। 5 तारीख से यहाँ खड़ी है, 5 तारीख और आज ओके कर दूँगा, 17-18 दिन हो गए हैं उसको यहाँ पर, और तक कुछ भी वर्क इसमें स्टार्ट नहीं हुआ। इवन आप देखो ना इसके लीवर भी बिल्कुल ओके है, सिर्फ यहाँ से टूटा हुआ है, लीवर भी बिल्कुल ओके है, ये देखिए वर्किंग कंडीशन, सिर्फ यहाँ से टूटा हुआ है। ये देखिए ना टांगे तो मेरी काफ़ी है, लेकिन व्यूवर्स के टांगे जो काफ सकती है, ये देख रहे हैं ये 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 क्या है, ये देखिए अरे देखो ये अगर आप क्या खड़ी होगा, ये देख रहे ये ऊपर लिस्ट देख रहे, सबसे चम्मा पता कहाँ है, ये देख रहे पीला तेरा सुमा 20 लाख रुपये का रिपेयरिंग का बिल भेजा 20 लाख रुपये का। अब नई गाड़ी दे रहे हो मेरे को क्या, ये मेरी गाड़ी रिपेयरिंग कर रहे हो। चलो भाई लोगों अभी गाड़ी को दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं, यूनिवर्सिटी तो नहीं आते, एक रहेंगे पार्टी रहेंगे, छोटा ही बात लेकिन वहाँ करेंगे स्पेशलिस्ट, और जो स्पेशलिस्ट ठीक
तो दोस्तों आप सबने देख ही लिया, मैंने ऑन रोड प्राइस भी बता दिया ZX Tenor का, आपने स्क्रीनशॉट देख ही लिया होगा, और जो कावासाकी ने देहरादून और जो देहरादून कावासाकी ने बिल दिया हुआ है बाइक को रिपेयर करने का, वो भी आपने देख ही लिया होगा कि जो नई बाइक आ रही है वो कितने की है और जो रिपेयरिंग कॉस्ट उन्होंने कितना लगाया है। तो आप खुद सोचिए कि कावासाकी ये सही कर रही है देहरादून की, गलत कर रही है। तो आइए आप बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में। ये अपडेट नहीं है, ये एक्चुअली 22 जून को मेरे बेटे का बर्थडे था, वो 6 साल का हो गया। सेलिब्रेशन तो काफ़ी अच्छा नहीं किया, लेकिन एक छोटा सा केक कट करके उसका बर्थडे मनाया। तो आइए देखते हैं वो भी कुछ के। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन तो जरूर दबाइए, क्योंकि जो भी ये चैनल से वीडियो आउट हो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन ओके बाय बाय, थैंक यू।